दोस्तों दिन का 1 करोड़ का प्रॉफिट भी पॉसिबल है, वो भी डेली बेसिस पे फॉर द इयर्स एंड इयर्स। आज के इस एपिसोड में जो आपको बिजनेस मॉडल में बताने के लिए जा रहा हूं, ये बिजनेस मॉडल पे जो टॉप प्लेयर है वो डेली के बेसिस पे 1 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है। बिजनेस मॉडल के नेचर के हिसाब से दोस्तों पैसा डेली बेसिस पे बनता है। एक सब्जी वाला है, सब्जी बेचना थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना वो एक बिजनेस मॉडल है। तो बिजनेस मॉडल के अपने नेचर के हिसाब से एक सब्जी वाला डेली बेसिस पे 500,000 रुपये कमाता है। वैसे ही आज के इस एपिसोड में दोस्तों आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बताऊंगा दिन का 1 करोड़ का प्रॉफिट टॉप प्लेयर इसी बिजनेस मॉडल के साथ बना रहे हैं। इंस्टाग्राम का दोस्तों एक हैंडल है और हैंडल बता देता हूँ, कुयाली करके कुछ हैंडल है, ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे बंदा है, लॉरेंस ऐसा कुछ नाम है। यदि आप इस बंदे का दोस्तों इंस्टाग्राम देखोगे तो क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, ये पर्सन के इंस्टाग्राम की यदि आप स्टोरीज देखोगे फॉलो करने के बाद या फिर फीड पे जाओगे, लग्जरी यॉट्स, सुपर कार्स, लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट्स और साथ ही साथ कंटिन्यूस बेसिस पे दोस्तों लग्जरी ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कुछ ऐसी लाइफस्टाइल जी रहा है ये बंदा, लॉरेंस जो नाम है। आप यदि ये बंदे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिए ना और यदि आप ये बंदे की स्टोरीज देखने लगे, फिर आप एक अलग तरीके से सोचने लगोगे कि यार इतनी भी वेल्थ होती है क्या दुनिया में, क्योंकि ये बंदा दोस्तों 1-2 दिन में कोई ना कोई नई सुपर कार परचेस करता है, हर 2-3 दिन में एक बार कोई ना कोई आइलैंड पे प्राइवेट जेट पे घूमने के लिए जाता है। मैं जब यहाँ पे ये बंदे का इंस्टाग्राम फॉलो करने के बाद पोस्ट स्क्रॉल कर रहा था, स्टोरीज को फॉलो कर रहा था, फिर मैंने रिसर्च किया कि ये बंदा कर क्या रहा है कि इतनी तगड़ी लग्जरी अफोर्ड कर पा रहा है। ये जो लॉरेंस है दोस्तों, ये लॉरेंस यहाँ पे एक कंपनी का मालिक है और वो कंपनी का नाम है VGW यानी कि वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड, एक होल्डिंग कंपनी है। ये होल्डिंग कंपनी दोस्तों यहाँ पे www.globalpoker.com, www.kumbacasino.com, www.luckylandslot.com इनको ऑन करती है होल्डिंग कंपनी VGW वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड, यानी कि VGW यहाँ पे बिल्ड करती है दोस्तों ये 3 ऑनलाइन कैसीनोस को। ये तीनों दोस्तों जो ऑनलाइन कैसीनोस है वो आते हैं अंडर द VGW वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड, और ये वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड का मालिक है लॉरेंस। अब आपको एक मजेदार बात बता रहा हूं, ये दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है जिसे कहा जाता है ऑनलाइन कैसीनो ऑन करना, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस इसमें से एक बिजनेस होता है, और हैरान करने वाला शॉकिंग नंबर आपको बता रहा हूं। लॉरेंस के दोस्तों ये जो VGW ग्रुप के अंडर ऑनलाइन कैसीनो चलते हैं, ऑनलाइन कैसीनो का दोस्तों कुछ ज्यादा मतलब नहीं लेना है, ऑनलाइन कैसीनो का मतलब है एक गेमिंग वाली सिर्फ वेबसाइट ही। ये जो लॉरेंस के 3 कैसीनो चलते हैं, 3 कैसीनो से दोस्तों $100 million to $300 million का सालाना प्रॉफिट बनता है लॉरेंस को, और ये बंदा ईयरली बेसिस पे $100 million अपने बैंक अकाउंट में वायर करता है अपनी कंपनी से, 800 करोड़ सालाना अपनी कंपनी से दोस्तों ये बंदा अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में वायर करता है, 800 करोड़ की कमाई है ये लॉरेंस की, क्योंकि ये ऑनलाइन कैसीनोज का मालिक है। और कोई दोस्तों बैकग्राउंड में ऐसी चीज नहीं थी कि उनके फादर ही बहुत अमीर थे, नहीं, बंदे ने 10-12 साल पहले अराउंड में बात करो 2009-10 का जब इतना ऑनलाइन गेमिंग का कल्चर नहीं था, अपने दम पे यहाँ पे सब ये एम्पायर बिल्ड किया हुआ है। ये बिजनेस है जो विदाउट इन्वेस्टर बिल्ड नहीं हो सकते, मुश्किल है बिल्ड करना, इन्वेस्टर चाहिए ही चाहिए। स्टार्टिंग में एक इन्वेस्टर के साथ काम कर रहा था, इन्वेस्टर ने धोखा दे दिया, अपनी कंपनी से निकाल दिया, दूसरी बार इन्वेस्टर के साथ काम कर रहा था, दूसरी बार भी इन्वेस्टरों ने धोखा दिया, निकाल दिया, तीसरी बार दोस्तों यहाँ पे एक अच्छे इन्वेस्टर मिले, काम शुरू किया। 2017-18 जब कोविड का बूम आया तब जितने भी ऑफलाइन कैसीनोज दोस्तों अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज में चलते सब ऑफलाइन कैसीनोज खत्म हुए, तब ऑनलाइन कैसीनोज का बूम आया, ऑनलाइन कैसीनोज वर्ल्ड वाइड फेमस हुए, फिर ये बंदा आज के टाइम पे टॉप पे बैठा है। ऑस्ट्रेलिया में लिस्टेड कंपनी है VGW, और top 5 दोस्तों प्राइवेट कंपनी में प्रॉफिट निकालने की बात की जाए तो लॉरेंस का यहाँ पे VGW ऑनलाइन कैसीनो का धंधा आता है, top 5 कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में, और बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा है। अब इंस्टाग्राम पे बंदे की स्टोरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, क्योंकि यार सेल्फ मेड बंदा है,
अब मैं आपको दोस्तों एक चीज बताने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ, और वो चीज है कि एक कसिनो हम भी कैसे चाहे तो बिल्ड कर सकते हैं, या फिर एक कसिनो बिल्ड कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है एक ऑनलाइन कसिनो बनाने के पीछे की। देखिए दोस्तों, मैं ना कभी भी थंबनेल पे क्लिक बेट नहीं करता हूँ, आपको जो बात जैसी है वैसी बता रहा हूँ। ये बंदा सालाना 800 करोड़ का प्रॉफिट निकालता है। यदि आप दोस्तों दिन का हिसाब करोगे तो इंडियन करेंसी में दिन का कितना हो जाता है, दिन का दोस्तों ये हो जाता है 1.5 करोड़ से 2 करोड़। फिर भी हमने टाइटल में कितना लिखा है कि एक ऐसा बिजनेस है जहां से पर डे के बेसिस पे 1 करोड़ का प्रॉफिट बनता है। तो आपको दोस्तों हमेशा जो थंबनेल पे लिखा हुआ है वही हमारा कंटेंट में मिलेगा। रियलिटी में तो ज्यादा यहाँ पे ग्रेटफुल चीजें मिलेगी हमारे कंटेंट में। कोई भी दोस्तों मिसलीडिंग टाइटल नहीं डाल दे, कोई भी मिसलीडिंग थंबनेल नहीं बनाना है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों एक ऑनलाइन कसिनोज कैसे बिल्ड होते हैं, ऑनलाइन कसिनो के पीछे की प्रोसेस क्या रहती है। सबसे पहला होता है दोस्तों मार्केट रिसर्च। हर एक कंट्री में ऑनलाइन कसिनोज लीगल नहीं है। जैसे कि यदि आप दोस्तों गूगल पे सर्च करोगे www.globalpoker.com तो लिखा हुआ आ जाएगा कि इंडियन मिनिस्ट्री ने यहाँ पे globalpoker.com वेबसाइट को बैन किया हुआ है, यानी कि इंडिया में अलाउ नहीं है ये ऑनलाइन कसिनो। आप दोस्तों luckylandslot.com क्लिक करोगे फिर भी यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा कि आपके रीजन में ये अलाउ नहीं है। तो हर एक कंट्री, हर एक स्टेट और कह लीजिए स्पेसिफिक कंटिनेंट के दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग मार्केट रिसर्च पहले करना पड़ता है कि कौन सी कंट्री में कैसीनोज अलाउड है, ऑनलाइन कैसीनोज अलाउड है एक्स वाई जेड। तो उसी मार्केट को टारगेट करके यहाँ पे ऑनलाइन कैसीनो बिल्ड होता है। तो सबसे पहला होता है दोस्तों मार्केट रिसर्च कि आप कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट या फिर कौन सा आइलैंड, कौन सा कंटिनेंट टारगेट करना चाहते हो। सेकंड आता है दोस्तों लीगल कंप्लायंस। ये लीगल कंप्लायंस में क्या होता है, जैसे दोस्तों आपको ना एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए जाना पड़ेगा, वो थोड़े बहुत पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, एक्स वाई जेड जगह पे जाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट की ऑफिसेस होती है, सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं तो जाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट से आपको जैसे वो लाइसेंस लेना होता है रेस्टोरेंट का, वैसे आपको ऑनलाइन कसिनो चलाने के लिए गवर्नमेंट के लाइसेंसेस चाहिए एक्स वाई जेड कंट्री में जहाँ पे आपका ये कंपनी लिस्ट कर रहे हो। और ये लीगल सब एंटिटीज, लीगल सब रूल फॉलो होते हैं, कंपाइल होते हैं, बाद में आपको लाइसेंस मिलता है, अप्रूवल मिलता है। इसमें आपको पैसे भी खिलाने पड़ सकते हैं, लेकिन एक बार दोस्तों आपके पास लाइसेंस आ जाता है, बाद में आपको बिजनेस प्लान भी बनाना पड़ता है कि एक्स वाई जेड क्या चीज रहेगी। अब बिजनेस प्लान में भी क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों पहले सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर चूज करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन कैसीनोस को लेके आज के टाइम पे ऑलरेडी बिल्ट इन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर आते हैं, ये सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ऑनलाइन कैसीनो चलते हैं। इधर आप किसी का सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे, इधर आप खुद का भी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हो। तो एक ऑनलाइन कैसीनो बिल्ड करने के पीछे दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है। बाद में होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर के साथ गेम सिलेक्शन कि आप कैसीनो में कौन सी गेम रखना चाहते हो, पोकर रखना है, राउल्ट ऐसा ही कुछ नाम एक गेम का नाम है जो यूएस में तगड़ी चलती है, वो कोई गेम रखनी है, एक्स वाई जेड गेम रखनी है, तो कौन सी गेम रखनी है आपको, वो गेम भी आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। बाद में दोस्तों आपको पेमेंट प्रोसेसिंग सेटअप करना पड़ेगा। पेमेंट प्रोसेसिंग में भी ऑनलाइन कैसीनोज होते हैं तो पेमेंट प्रोसेसिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि यार बंदा वीपीएन लगा के या फिर एक्स वाई जेड किसी भी कंट्री से ऑपरेट करेगा तो ऐसा पेमेंट प्रोसेसिंग चाहिए जो हर एक कंट्री में मेजोरिटी अलाउ हो, पेमेंट हो जाए। पेमेंट प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा दोस्तों स्ट्रॉन्ग होता है जो भी ये ऑनलाइन कैसीनोज चलाते हैं, क्योंकि यार एट द एंड बंदा पैसा क्रेडिट नहीं कर पाएगा अपने बैंक अकाउंट से अपने कैसीनो वाले अकाउंट में, फिर तो कोई मतलब नहीं रहा। तो पेमेंट प्रोसेसिंग पे लोग सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे करते हैं। बाद में दोस्तों वेबसाइट डेवलपमेंट का भी एक पार्ट आ जाता है ऑनलाइन कैसीनोज में। वेबसाइट डेवलपमेंट जब हम सर्च करते हैं कि एक्स वाई जेड globalpoker.com तो ये वेबसाइट वाला पार्ट आ जाता है, लैंडिंग पेज एक्स वाई जेड, तो वेबसाइट डेवलपमेंट भी इसमें आता है। सिक्योरिटी मेजरमेंट भी होते हैं दोस्तों बहुत ही अलग। सिक्योरिटी मेजरमेंट की मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, यहाँ पे लोग एक दूसरे के एसईओ को गिराने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कोई यदि ग्लोबल पोकर लिख रहा है एक्स वाई जेड कैसीनो के लिए तो जो टॉप 5 पे रैंक करेगी जो वेबसाइट जो यहाँ पे ऑनलाइन कैसीनो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो अटैक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो बड़े ऑनलाइन बिजनेस है खास करके जो इंटरनेट बिजनेस होते हैं तगड़े अटैक होते हैं, तो सिक्योरिटी की एक दोस्तों टीम रखनी होती है, खास करके साइबर सिक्योरिटी की टीम यहाँ पे रखनी होती है वेबसाइट अटैक से बचाने के लिए, मालवेयर अटैक एक्स वाई जेड बहुत टाइप के अटैक होते हैं आपकी साइट डाउन करने के लिए, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मार्केटिंग की दोस्तों स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब यार आपका कैसीनो तो रेडी हो गया ऑनलाइन कैसीनो, अब आप इसे प्रमोट कहाँ पे करोगे। आपने दोस्तों मेजोरिटी जो ये कैसीनो की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी ना, वो देखी होगी रात को 12 बजे या फिर 12 बजे के बाद,
मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी दोस्तों जो इंडियन है या फिर कह लीजिए मेजोरिटी लोग है, वो रात के टाइम पे एडल्ट साइट पे जाते हैं। तो एडल्ट साइट पे ही दोस्तों आपको ज़्यादातर जो एड मिलेगी वो सब कैसीनो के एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। तो ये मार्केटिंग का पार्ट आ जाता है। कैसीनो लॉन्च करने के टाइम पे प्रमोशन कहाँ पे करोगे, तो ये सब दोस्तों मार्केटिंग के अंडर आता है। और एट द एंड एक और चीज़ आती है दोस्तों, जिसे कहा जाता है मॉनिटर एंड इम्प्रूवमेंट। ये भी एक पॉइंट है, जब आप ऑनलाइन कैसीनो बिल्ड करते हो तो आपको मॉनिटर करना पड़ता है एक पूरा यहाँ पे प्लेयर का बिहेवियर कि कैसी फीलिंग आ रही है, और टाइम के साथ दोस्तों ये एक्सपीरियंस को इन्हांस करके इम्प्रूव भी करना होता है। ऑनलाइन कैसीनो दोस्तों कॉम्प्लेक्स टाइप का बिजनेस है, हर एक बंदा बिल्ड नहीं कर सकता, इसलिए इसमें जो प्लेयर है वो सबसे ज़्यादा पैसा बना रहा है। विदाउट फंडिंग भी दोस्तों 99% मैंने नहीं देखा हुआ है कि किसी भी पर्सन ने कैसीनो का बिजनेस सक्सेसफुली बिल्ड किया। तो ये बिजनेस में फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, एक बार पैसा लगाने के लिए लोग रेडी है, बाद में जो भी ये कैसीनो का धंधा समझते हैं ऑनलाइन कैसीनो का वो मोटा पैसा बनाते हैं। मैंने पास्ट में दोस्तों बात की थी, आज वापस कर रहा हूँ, मैंने एक बंदे के बारे में बात की थी, वो बंदे का नाम है सैम रेटनर। ये सैम रेटनर अपने बचपन में ही दोस्तों कैसीनो और गेमलिंग किया करता था। तो ये बंदे ने एट द एज ऑफ यहाँ पे कह लीजिए 18, एट द एज ऑफ 17-18 खुद का एक ऑनलाइन कैसीनो बिल्ड करने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ, फंडिंग मिल गई। और एट द एज ऑफ 23 ये बंदे ने अपना ऑनलाइन कैसीनो $40 million, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं 300 करोड़ से ज्यादा में अपने ऑनलाइन कैसीनो को बेच दिया। सैम रेटनर की यहाँ पे बात करो, एट द एज ऑफ बॉस 23, क्योंकि मैंने कहा ये बिजनेस मॉडल ऐसा है, बिजनेस का नेचर ऐसा है जहाँ पे लोग प्लेटफॉर्म के एडिक्टेड हो जाते हैं, पैसा क्रेडिट पे क्रेडिट करते जाते हैं, और ज़्यादातर पैसा होता है यहाँ पे क्रेडिट कैसीनोज के अकाउंट में। सिंपल सी बात है, ये जो पर्सन होते हैं जो प्ले करते हैं उनके अकाउंट से डेबिट होते हैं, और कैसीनो ओनर कैसीनो वेबसाइट के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कौन से ऐसे टॉप ऑनलाइन कैसीनोज है जो भारत में चल रहे हैं। भारत में भी दोस्तों कैसीनोज चलते हैं, लेकिन भारत के थोड़े बहुत रूल्स अलग अलग है, बहुत सारी साइट है जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंडियन मार्केट को भी टारगेट कर रही है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक ब्रेक, बात कर लेते हैं हमारे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस प्रोग्राम की। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, हमारी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी कर दिया है। जिन्होंने बहुत ही अर्ली में यहाँ पे प्रोग्राम को इनरोल किया था और चीजें एग्जीक्यूट की थी, आज वो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंटली हमारे प्रोग्राम को इनरोल किया था उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डॉलर दिखना शुरू हो चुका है। जो नए व्यूअर है पहली बार इस वीडियो पर आए, जिन्हें नहीं पता हमारे प्रोग्राम के बारे में, दोस्तों थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टोटल हमारा 13 डेज का मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम है, जहाँ पे आप लर्न करोगे कॉपी पेस्ट मीडिया बिजनेस, सॉफ्टवेयर मीडिया बिजनेस और कॉरपोरेट मीडिया बिजनेस। जो चीज दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बिल्ड की है वही चीज यहाँ पे मैंने सिखाई है। आप अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हो भारत में बैठ के, इसलिए पैसा कमाने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है किसी और काम के कंपैरिजन में। प्रोग्राम में इनरोल करने को लेकर यदि आपको कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से यहाँ पे आपकी क्वेरी का दोस्तों सॉल्यूशन ले सकते हो। आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो और एज अ यहाँ पे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बिजनेस है, यानी कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है फ्रीडम, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है यहाँ पे लाइफ स्टाइल बिजनेस, जहाँ पे आप आपके हिसाब से काम करते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हो, फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। प्रोग्राम इनरोल करने के बाद आपको दोस्तों पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला बिजनेस क्लब के थ्रू आप वन ऑन वन आपकी कोई भी क्वेरी का मुझसे आंसर ले सकते हो। आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में कभी भी कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे डाउट रहता है आपको, मैं विदिन 24 आवर आपको डेटाबेस्ड यहां पे आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैं एक ही जगह पे एक्टिव रहता हूं। पहला बिजनेस क्लब के थ्रू मुझे पर्सनल क्वेरीज आती है, मैं यहां पे क्वेरीज का आंसर दे देता हूं। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहां पे इनरोल कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहां पे मैंने प्रोग्राम रिगार्डिंग बात कर दी, नाउ बैक टू एपिसोड। लकी स्पिन यहाँ पे मैं www.luckyspin.com नहीं बोल रहा हूँ, और www.com नहीं, डायरेक्ट मैं तुरंत नाम ही ले रहा हूँ। ये सब पावरफुल होता है एसईओ में, इनको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप नाम लिखोगे ना बिग बूस्ट,
तो आपको मिल जाएगा, ये लोग नंबर वन पे आ ही जाएंगे सब तरीके से। इंटरनेट के दोस्तों ये सब माफियाज है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हर एक इंडस्ट्री के ना माफियाज होते हैं। जैसे ऑफलाइन धंधे में भी बहुत सारे दोस्तों ऐसे बिजनेस है, जैसे कि लिकर बिजनेस है, यानी कि शराब का जो बिजनेस होता है वहाँ पे माफिया ऑपरेटर होते हैं, वो सब मार्केट को ओन करते हैं। वैसे ही दोस्तों इंटरनेट बिजनेस में जो ये कसिनोज चलाते हैं, ऑनलाइन कसिनोज, दोस्तों इंटरनेट के रियल माफियाज यहाँ पे आप कह सकते हो। बिग बूस्ट है ये सब दोस्तों, मैं जो ऑनलाइन कैसीनोस बता रहा हूँ ये इंडिया में चलते हैं, यानी कि इंडिया से आप कैसीनोस खेल सकते हो इस वेबसाइट से। लकी निकी है, कैसीनो डेज है, डीप डाफा बेट कैसीनो है, टेन क्रिक कैसीनो है, परी मैच कैसीनो है, स्टैक डॉट कॉम है, वन एक्स बेट कैसीनो है, परी पैसा कैसीनो है, मोस्ट बेट कैसीनो है, बेट लिल्ट कैसीनो है। ये सब कैसीनो दोस्तों इंडियन मार्केट को टारगेट करते हैं, लेकिन मेजोरिटी कैसीनो जो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करा के बैठे हैं वो इंडिया में नहीं है। शायद मेजोरिटी कंपनीज की जो रजिस्टर होते हैं, कंपनी रजिस्टर होती है, वो रजिस्टर दोस्तों एक आइलैंड है, एग्जैक्ट मुझे आइलैंड का यहाँ पे नाम नहीं याद नहीं आ रहा है मुझे नाम, मैं साइड में फोटो लगा दूंगा। ये साइप्रस नाम यहाँ पे याद आ चुका है अनकट एपिसोड में मुझे, साइप्रस करके दोस्तों एक आइलैंड है। मेजोरिटी ये कैसीनो वाली कंपनी साइप्रस में लिस्टेड होती है। अब ना आप में से दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कभी भी लाइफ में कैसीनो में पैसा नहीं लगाया होगा, कभी भी ऑनलाइन कैसीनो में पैसा लगाया ही नहीं होगा। मेरा कह लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, मेरे टच में एक बंदा है वो रिसेंटली एक्सप्लोर कर रहा था, वो भी एक इंटरनेट नर्ड है और वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, और www.stack.com जब IPL चल रहा था तो stack.com पे वो खेल रहा था। ये थोड़ा स्मार्ट इंटरनेट नर्ड है, stack.com का यूज़ करके दोस्तों, ये मैं जो पर्सन की बात कर रहा हूँ, IPL के टाइम पे 1000 रुपये का 30000 रुपये बनाता है। वो खुद एक्सप्लोर ही कर रहा था, उसे कोई गेमलर है वो नहीं बनना था, क्योंकि पता है कि एट द एंड बॉस स्टार्टिंग में क्या है कि ये प्लेटफॉर्म आपको पैसा शायद जिताएंगे, बाद में आपको एडिक्टेड बना के आपका सारा अकाउंट खाली कर देंगे। तो 1000 का दोस्तों 30000, 1000 का 30000, कुछ एक महीने में IPL टाइप की बेटिंग जो stack.com पे होती है लगा के बंदे ने बना ली। मैं आपको दोस्तों हाईली सजेस्ट करूंगा, मेरी ये बात सुन के मुझे पता है कुछ लोग है जो इन्फ्लुएंस हो गए होंगे कि यार ये जो stack.com जैसा प्लेटफॉर्म है स्टार्टिंग में जीता था तो क्यों ना हम भी 1000 लगा के 30000 निकाल ले। नहीं बॉस, ये गलती मत करना, कभी भी मत करना। मैं जो बंदे की बात कर रहा हूँ वो इंटरनेट नर्ड है, उनके अदर इनकम सोर्सेज है और वो प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करने के लिए पैसा लगा रहा था। आपको ये क्विक मनी के चक्कर में नहीं पड़ना है, इनको टच भी नहीं करना है, एज अ प्लेयर टच नहीं करना है। अब यदि आप खुद अभी यंग एज में हो, 15-16 साल के हो और पूरी टेक्नोलॉजी समझना चाहते हो तो फिर बात अलग से, टेक्नोलॉजी समझ जाओगे, कैसीनोस कैसे काम करते समझ जाओगे। एज अ प्लेयर दोस्तों आपको कस्टमर बनने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म, ये मेरा दोस्तों ऑनेस्ट आपको सलाह है। क्योंकि यार मुझे पता है कि मैं जो बात करता हूँ लोग इन्फ्लुएंस एब्सोल्युटली होते हैं और मैं रियल बातें करता हूँ। मैं जो बंदे की बात कर रहा हूँ बंदे ने मुझे दिखाया हुआ है 1000 का 30000 रुपये, तो लोग एक्शन तुरंत ले लेते हैं बहुत बार। लेकिन यहाँ पे मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस पे एक्शन मत लेना क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप टाइम और पैसा वेस्ट करोगे। टेक्नोलॉजी ज़रूर दोस्तों समझने की कोशिश करना यदि आप समझना चाहते हो, कोई भी दोस्तों इंटरनेट बिजनेस होते हैं यदि आप उनकी टेक्नोलॉजी जानते हो, टेक्नोलॉजी समझते हो, यदि आप उनके टेक्नोलॉजी के नर्ड बन गए, आपको दोस्तों एब्सोल्युटली जॉब मिल जाएगी और अच्छा खासा पे आउट भी मिलता है। जैसे कि www.vgw.com पे जाओगे ना, वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड, तो वहाँ पे ना एक सबसे बड़ा ऑप्शन है करियर्स करके, और वो करियर्स में क्या है, सब जॉब लिस्टिंग है, क्योंकि ये लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, टैलेंट अच्छे से अच्छा चाहिए। बहुत सारे लोग लाखों डॉलर ऐसे दोस्तों जॉब पर्सन कैसे कमा रहे, तो ऐसे कैसीनोज जैसी ऑनलाइन कंपनीज में काम करके कमा रहे। तो ये बिजनेस मॉडल है, और भी दोस्तों कैसीनोज को लेके ना अपॉर्चुनिटीज है, लोगों ने ऑनलाइन कैसीनोज और इंटरनेट से बहुत बड़ा पैसा बनाया है। और भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो भी लोग अलग अलग तरीके से कैसीनो से पैसे वाले बने हुए, आने वाले एपिसोड में ज़रूर इस पर भी बात करूंगा। चलिए आज के एपिसोड को दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।